हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट, और ये अपडेट निकल के आ रही है फ्रॉम जेके बोपी एज दे आर कंडक्टिंग द काउंसलिंग फॉर द इंजीनियरिंग फॉर द सेशन 2021। ठीक है, फॉर द वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज इन JNKUT लाइक GCT जम्मू, JCT गांधरबल, मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मंदवित्य सिंह, SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड भार्गव कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सांबा। इसमें अगर हम जैसे काउंसलिंग चल रही है, 4 दिन की काउंसलिंग रहनी है। थर्ड डे का सीट पैट्रिक्स इन्होंने रिलीज़ कर दिया है, और मैंने सोचा उसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूँ। जो लोग कल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं बोपी ऑफिस में, उनके लिए सीट मैट्रिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उनको सीट्स की अवेलेबिलिटी का पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लूँ, जिसमें 2 कॉलेजेस आते हैं, वो है, फर्स्ट है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, और सेकंड है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गांधरबल। ठीक है, आप उसको देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं GCT जम्मू की बात करूँ, तो यहाँ पे ओपन मेरिट में कोई भी सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कैटेगरीज़ में सीट्स की अवेलेबिलिटी है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं 46% जो सीट्स हैं रिजर्व हैं GCT जम्मू में कैटेगरी के लिए। और इनमें अगर मैं ब्रांच वाइज एनालिसिस करूँ, तो सिविल में 5 सीट्स रहती हैं कैटेगरी की, टोटल 69 सीट्स हैं कैटेगरी की अभी भी अवेलेबल GCT जम्मू में, जिसमें सिविल में 5 सीट्स हैं, कंप्यूटर में 6 हैं, मैकेनिकल में 22 है, इलेक्ट्रिकल में 19 सीट्स हैं, और ENC में 17 सीट्स अभी भी इनके पास अवेलेबल हैं। टोटल 69 सीट्स हैं। जो मोस्ट जो सीट्स हैं, जो मोस्ट डिमांडिंग ब्रांचेज हैं, जैसे कि सिविल हो गया, सिविल में 5 सीट्स की अवेलेबलिटी है, कंप्यूटर में 6 हैं, इलेक्ट्रिकल में 19 हैं। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो सिविल में ALC की 3 सीट्स हैं, और CDP की में 2 सीट्स की अवेलेबलिटी है, TFW में 3 सीट्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर में 6 सीट्स हैं, जो 3 सीट्स हैं वो ST की 3 सीट्स हैं, CDP में 2 सीट्स हैं, 1 सीट PSP में है, 3 सीट्स TFW में हैं। आपकी मैकेनिकल में जो 22 सीट्स हैं, वो तो हर कैटेगरी में सीट्स में अवेलेबल हैं GCT जम्मू में, हर एक कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल हैं कैटेगरी में। इलेक्ट्रिकल में ST की 5 सीट्स हैं, OSC की 2 सीट्स हैं, LC की 2, RBE की 4, CDP में 2, SP में 1, और 3 PSP में, और 3 TFW में। ENC में 17 सीट्स हैं GCT जम्मू में, और 6 सीट्स हैं ST की। SC की कोई सीट नहीं है, 1 सीट है OSC ELC की। RBE में 5 सीट्स हैं, 1 सीट है CDP, और SP में 1 सीट है, PSP में 2 सीटें हैं, और TFW में 3 सीट्स हैं। उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गांधरबल की बात कर लूँ, तो यहाँ पे सिविल में कोई सीट अवेलेबल नहीं है। मैं मार करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, कंप्यूटर साइंस में भी कोई सीट नहीं है, मैकेनिकल में 20 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सीट रहती है अभी भी वेकेंट, और बायोमेडिकल में 29 सीट्स हैं। कैटेगरी में काफ़ी सीट्स इनके पास अभी भी अवेलेबल है, 18 सीट्स सिविल में, 25 सीट्स कंप्यूटर साइंस में, 27 सीट्स मैकेनिकल में, 26 सीट्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बायोमेडिकल में 27 सीट्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली हर कैटेगरी में सीट्स की अवेलेबलिटी है, टोटल 123 सीट्स हैं इनके पास अभी भी अवेलेबल। तो अभी भी अगर मैं टोटल एनालिसिस करूँ गवर्नमेंट सीट्स का, तो ओपन मेरिट में अभी भी 50 सीट्स दिखा रहा है, और कैटेगरी में 192 सीट्स हैं, जिसमें GCT जम्मू एंड गांधरबल दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ, ये 50 सीट्स हैं आपकी ओपन मेरिट की, और 192 सीट्स है कैटेगरी की। अब चलते हैं प्राइवेट कॉलेजेस का अगर एनालिसिस करें, जो सबसे ऊपर रैंक में आ रहा है वो आ रहा है मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इनके पास कंप्यूटर साइंस की 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, और 3 ब्रांचेस का मतलब आप ये मान के चलिए कि 180 सीट्स। ठीक है, माइट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसका एनालिसिस करूँ, तो सबसे ज़्यादा एडमिशन कंप्यूटर साइंस में माइट में ही हुई है। देखिए, 73 सीट्स इनके पास वेकेंट हैं।
ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 170 सीट्स में से इनके पास 171 सीट्स में से इनके पास अभी खाली 73 सीट्स इनके पास अभी भी वेकेंट हैं। अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 100 सीट्स इनकी सीएससी में फिल अप हो चुकी हैं फर्स्ट दो दिनों में माइट में, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, माइट में। तो आप उसको देख पा रहे हैं सीट मैट्रिक्स के थ्रू कि 100 सीट्स जो हैं वो माइट में सीएससी की फिलअप हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद सिविल में 93 सीट्स इनके अभी भी वेकेंट हैं, ईएनसी में 56 सीट्स वेकेंट है और इलेक्ट्रिकल में 56 सीट्स वेकेंट हैं। माइट में पहले दो दिनों में सीएससी में काफ़ी अच्छी एडमिशन्स हुई हैं, अभी भी इनके पास 278 सीट्स वेकेंट है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं निकल रहा है तो आप प्राइवेट में इस कॉलेज को भी प्रेफरेंस दे सकते हो। वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जम्मू में है, मंत बहितर सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसकी बात करो तो ईएनसी में इनके पास 14 का इंटेक है और 14 सीट्स अभी, सॉरी इंटेक नहीं है, इनके पास अभी 14 सीट्स वेकेंट हैं। कंप्यूटर साइंस में 26 सीट्स वेकेंट हैं, 29 इलेक्ट्रिकल में और 29 मैकेनिकल में, और आईटी में 29 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं। तो इनके पास 113 सीट्स वेकेंट हैं। एसएमएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अगर मैं बात कर लूँ तो कंप्यूटर में इनके पास 102 सीट्स अभी वेकेंट हैं, मार करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 165 सीट्स हैं सिविल की, 113 सीट्स हैं ईएनसी की, कंप्यूटर की 102, इलेक्ट्रिकल में 114 और आपकी मैकेनिकल में 114। तो ईएनसी में सबसे ज़्यादा आई थिंक इनके पास एडमिशन हुई है, सॉरी कंप्यूटर में इनके पास अभी भी 102 सीट्स अभी भी इनके पास वेकेंट है। और योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अभी कंप्यूटर साइंस में 114 में आई थिंक 114 सीट्स हैं इनके पास, अभी दो एडमिशन्स यहाँ पर हुई हैं, बाकी इनके पास और भी सीट्स की अवेलेबिलिटी है, मार करके भी दिखा देता हूँ। 114 सीट्स हो गई सिविल में वेकेंट है अभी भी, कंप्यूटर में 112, 57 इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में 112 अभी भी वेकेंट है। और भारू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सांबा सुपौल सांबा की अगर मैं बात कर लूँ तो इन्होंने अभी एक ही ब्रांच में इन्होंने येलो निशान मारा किया, हाईलाइट किया, इसका मतलब यहाँ पे ही खाली एडमिशन हुई है। आई थिंक इनके पास अभी शायद 1 या 2 एडमिशन हुई हैं इनकी कंप्यूटर में, बाकी इनके पास बाकी सीट्स अभी भी इनके पास वेकेंट है। 57 सीट्स सिविल में हैं इनके पास, ईएनसी में भी 57 वेकेंट हैं, इलेक्ट्रिकल में 57 और मैकेनिकल में 57, टोटल इनके पास 255 सीट्स अभी भी इनके पास वेकेंट है, ठीक है। और अगर बात की जाए टोटल सीट्स की अवेलेबिलिटी की तो 169 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट को अगर मिला लिया जाए तो 1699 सीट्स अभी भी वेकेंट हैं, ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला दिया जाए तो। तो ये रहा कल का सीट मैट्रिक्स फ्रेंड्स, तो मैंने डिटेल में आपको एनालिसिस बता दी गवर्नमेंट सीट्स की कितनी अवेलेबिलिटी है कल के सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली। जो लोग कल जा रहे हैं इस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर कट हो जाएगा कि आपने किस ब्रांच को टारगेट करना है, किस कॉलेज को टारगेट करना है। अगर आपकी कैटेगरी नहीं है तो ओपन मेरिट में तो गवर्नमेंट में सिर्फ मैकेनिकल में गांधरबल में मैकेनिकल में 20 सीट्स, 1 सीट इलेक्ट्रिकल की और 29 सीट्स बायोमेडिकल की वेकेंट है, बाकी तो कैटेगरी तो में तो हैं सीट्स, लेकिन ओपन मैट्रिक अगर आप हो तो आपको किस कॉलेज को टारगेट करना है आप उसको देख सकते हो। अगर आप कश्मीर से तो SSM को टारगेट करोगे, और अगर आप जम्मू से हो तो आपके पास चांसेस चॉइसेस आर देयर, लेकिन इस टाइम जो सबसे ऊपर जिसकी ज़्यादा सबसे ज़्यादा एडमिशन जा रही हैं वो MIT है, मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। रेस्ट इज़ योर चॉइस, जो भी आपको ठीक लगता है उस कॉलेज को आप ले सकते हो। डिग्री आपको जम्मू यूनिवर्सिटी ही देगी इन द एंड, ठीक है, मार्क्स और पेपर भी आपका जम्मू यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। हाँ, MIT का सुना था कि ये ऑटोनॉमस है, तो मे भी अपना पेपर खुद सेटअप कर रहा है या क्या कर रहा है इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन एडमिशन्स के मामले में तो ये इस टाइम प्राइवेट कॉलेज में सबसे टॉप पे जा रहा है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बाकी भी जैसे जैसे मेरे पास अपडेट आते जाएंगे पैरामेडिकल से रिलेटेड, GNM से रिलेटेड, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो JK वैकेंसीज अपडेट करके, इंस्टाग्राम ID है मेरा JK वैकेंसीज अपडेट करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, तो आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं स्पेशली फॉर द GNK स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।